हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर, स्पेशली गुजरात के अंदर जो है मकर संक्रांति, उत्तरायण, काइट फेस्टिवल का जो है पर्व आ चुका है। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो उसकी काफ़ी डिमांड रहती है। उसमें से एक प्रोडक्ट जो है वो है मास्क। यस टंटन। तो मास्क जो है हमारे पास बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये एक टाइप का मेगा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू हो जाएगा। तो ये पहला वाला मास्क जो है मिनियन का मास्क है और उसने जो है सांटा की जो है केप भी पहनी है। तो दोस्तों ये जो है 10 रुपये का मास्क है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का मास्क आता है, बहुत ही सिंपल सा मास्क है और बच्चों को जो है बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके के मास्क पहन के। आप देख सकते हैं कितना ब्राइट कलर है। और उसमें क्या होता है कि आजकल जो है आपको पता ही है कि फ़ोटोज़ का ज़माना है, तो लोग जो है अपनी मतलब बच्चों की अपनी फ़ोटोज़ जो है इस तरीके की कॉमेडी मास्क पहन के जो है खींचते हैं और अपनी जो है फेस्टिवल्स को, मेमोरीज़ को जो है यादगार बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला मास्क जो था वो था मिनियन। अब दूसरा मास्क आता है टंटन, माई फेवरेट आयरन मैन। तो आयरन मैन जनरली जो है रेड कलर का होता है, बट यहाँ पे जो है येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको भी मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ। इस तरीके का जो है आपको मास्क की क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, 10 रुपये में, कोई मतलब गलत चीज़ नहीं है। एक दो दिन बच्चे पहनेंगे, अगर संभाल के रखेंगे तो ज़्यादा भी चल सकता है। उसके बाद जो है बहुत ही क्यूट और सबकी फेवरेट ट्वीटी टंटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वीटी आ गई है। तो ये भी काफ़ी क्यूट सा मास्क है। इसको भी मैं आपको खोल के बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्यूट है ये। थोड़ा सा ये पतला है कंपेयर टू आयरन मैन। ओके, इसको आप साइड में लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दुख की बात है, बट ये सभी जो है मेड इन चाइना है। तो एक्चुअली में मेरे को मतलब मुझे भी जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई इस तरीके के प्लास्टिक मास्क बनाने के लिए किस तरीके का मशीन जो है चाहिए होता है, जिससे कि इसका जो है प्लास्टिक का मोल्ड भी बन जाए, इस तरीके का मास्क जो है ढल जाए और इसमें कलर्स भी आ जाए। तो कैसे करते होंगे, तो ये एक मतलब मेरी क्यूरियोसिटी। अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। एक और यहाँ पे जो है ट्वीटी तो नहीं है, बट इसका क्या नाम था, नाम तो इसका मैं भूल गया। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर है, बहुत ही पॉपुलर है ये भी। और अब जो है इसके बाद हम देखते हैं टंटन जोकर, बैटमैन वाला जोकर। जोकर जो है बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, आपको सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो बैटमैन की जो है कॉमिक्स पढ़ लीजिए, बैटमैन मूवी को देख लीजिए, बैटमैन रिटर्न्स, बैटमैन ये वो बहुत सारे आती है इसकी मूवीज़। और ये जो है इसके अंदर विलन है और इसका कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया है, ज़्यादातर बैंक लूटने जब जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, तो इस तरीके का मास्क लोग पहनते हैं। बट आप जो है अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक की फ़ोटो के लिए इसको खींच सकते हैं। टंटन एक ओवर आ गया यहाँ पे, आई थिंक मोटू पटलू का, मोटू पटलू नहीं, बट ये कौन सा कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ दोस्तों। अगर इसका नाम आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसकी भी प्राइस जो है ना 10 रुपये है, एक मास्क की 10 रुपये प्राइस। तो इस तरीके का मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आपको मास्क मिल जाएगा। ऑलराइट, अब जो है आ जाता है छोटा भीम। ये छोटा भीम की प्रोडक्ट्स जो है सभी की सभी जो है मार्केट में चलती है, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, काफ़ी सक्सेसफुल एनिमेशन टीवी सीरीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना क्यूट है यार, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद मेरा सबका फेवरेट टंटन स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन यार, स्पाइडरमैन की मूवीज़ को मैंने बहुत बार देखी है, बहुत ही मज़ा आता है यार। अगर आपकी भी फेवरेट मूवी है स्पाइडरमैन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मतलब बढ़िया कैरेक्टर है। इसके बाद एक और कैरेक्टर, क्योंकि मुझे जो है ना इस तरीके के हवा में उड़ने वाले पावर, मतलब अलग अलग शक्तियाँ रखने वाले लोग जो है ना बहुत पसंद है। उसमें से सबके फेवरेट जो है हनुमान जी है, जो कि उड़ सकते हैं, उसकी गदा जो है ताकतवर है और उनके पास भक्ति की शक्ति है। टंटन, इसको भी हम खोल लेते हैं। वाह, हनुमान जी भी मेड इन चाइना है क्या? हाँ दोस्तों, ये भी हनुमान जी भी मेड इन चाइना है, कोई बात नहीं। कोई भी बनाए, चाइना जो है उसने जो किया वो सत्ताधीशों ने किया है, चाइना की लोकल पब्लिक ने नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ जो है घोस्ट आ जाता है। तो इस तरीके के भी मास्क बहुत सारे लोगों को पसंद रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी क्यूट सा है। वैसे मेरी तो जो है भूतों से फटती है, अगर आपकी भी फटती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक और है यहाँ पर इस तरीके का, तो सभी के सभी भूत वाले जो है ना लाल है, लाल कलर के। इसको मैं अभी खोल के नहीं बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही फेवरेट, मतलब बहुत ही पॉपुलर भूत का फेस है, लंबा मुंह वाला। और अब भूतों का है एक लास्ट फेस, आई होप आज मुझे जो है ख़राब सपने ना आए भूतों के। और एक और है जोकर वाला मास्क। वाओ, यहाँ पे जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं
और उसके अलावा भी और भी मेरे पास पड़े थे अभी उसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अभी पड़े नहीं है, यहाँ पे मेरे शॉप पे पड़े हैं, बट उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास, तो वीडियो के एंड में वो फ़ोटोज़ भी डाल दूंगा खाली आपके रेफरेंस के लिए कि कौन कौन से कैरेक्टर के जो है मास्क आते हैं। इसकी जो है प्राइस है सभी की एक मास्क की 10 रुपये, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे आप चाहे तो इसको लोकल स्टोर से खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं बट आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, और आप हमसे भी मंगवा सकते हैं बट वो भी आपको महंगा ही पड़ेगा, बट चाहे तो मंगवा सकते हैं, आपको कोई कैरेक्टर मिल नहीं रहा है कहीं से तो आप जो है इसको हमसे भी मंगवा सकते हैं। 10 रुपये का चार्ज है और डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एडवांस पेमेंट पेटीएम के जरिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है मकर संक्रांति पे क्या करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो है बच्चों आप ज़रा ध्यान रखिएगा, छत से गिरिएगा नहीं, क्योंकि अभी जो है हर रोज़ एक न्यूज़ आती है छत से बच्चे जो है गिर जाते हैं, पतंग लूटने जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। दूसरा कि डोरियाँ जो होती है ना, मतलब ये पतंग के मांझे जो होते हैं वो हवा में लटकते रहते हैं, दीवार मतलब रोड पे जो है लटकते रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के गले जो है कट जाते हैं, तो उसके लिए भी आप सेफ्टी रखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, एंजॉय दिस फेस्टिवल, आई लव मकर संक्रांति। क्या आपको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।